सुन्नत ये है कि मेरी शादी पक्की हो इस वजह से वो सर्विस बैटरी की भी बैटरी निकल गई खड़े खड़े गाड़ी। तो गाइस यहाँ पानी पास करने का ना गेम चल रहा था। तो गाइस ये हम लोग का खाना आ गया है। हेलो गाइस मैं हूँ अप्रेश और हम है फोकस। सो गाइस आ गए हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने आज कुर्ता पजामा पहना होगा। ये मस्त बता रहे क्या खुशी का दिन है आज। आज मेरी शादी पक्की हो गई। ओ गाइस ले ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग की तरावी कंप्लीट होने वाली है, मतलब इनकी तरावी मुकम्मल होने वाली हमारी गाइस। हाँ तो ऐसा होता है कि गाइस सुन्नत ये है कि 30 दिन तरावी पढ़े और कुरान मुकम्मल हो, ऐसा होता है। तो हम लोग का एक कुरान मतलब कुरान इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा तरावी में, मतलब। और 30 दिन की तरावी का देखो मतलब ऐसा है कि वो पढ़ना तो तरावी ऐसा 10 दिन की तरावी जैसा कुछ नहीं होता, वो पूरे 30 दिन की तरावी रहती है। लेकिन हम लोग 10 दिन की इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक कुरान एटलीस्ट हमारा कुरान तो मुकम्मल हो जाए। yes. कि हम लोगों को कुछ काम रहे तो हम लोग घर पे आके ईशा बाद यानी खुद से भी पढ़ सकते हैं तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ सकते हैं, है ना। तो हाँ मौलाना कल भी हम लोग को समझा रहे थे कि 10 दिन की तरावी इनफ नहीं है, सुन्नत ये है कि 30 दिन की तरावी पढ़ा जाए। तो आप लोग भी ध्यान रखना ये चीज़, जो जो लोग 10 दिन की तरावी पढ़ता है या 6 दिन की तरावी पढ़ता है या 3 दिन की तरावी पढ़ता है, जो भी आप लोग पढ़ते हो तो ध्यान रखना 30 दिन की तरावी पढ़ना ही है। ईशा बाद आप लोग 20 रकात खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज घर में ज़्यादा कुछ काम है नहीं क्योंकि सब बाहर से आएगा इस वजह से। और बाहर और आज तो हम लोग बाहर खाना भी बाहर वहाँ पे गाइए तरावी का। लास्ट ईयर आप लोग देखे रहोगे खाना भी देते हैं। आज मौला ने हम लोग को कल 9वें दिन ही बोल दिए कि यहाँ पर खाना का इंतजाम किया गया है। मैंने मम्मी को बोल दिया, मैं मम्मी को बोला मम्मी अपन बाहर से मंगा लेंगे, आप खा लेना आराम से, टेंशन नहीं, हम लोग खा के आएंगे। कुछ स्पेशल मांग जो आपको चाहिए? कुछ ऐसा स्पेशल नहीं चाहिए, जो लेकर आता हूँ वही लेकर आओ, ठीक है। तो गाइस कटिंगर लेने के बाद अभी हम लोग लेने आए हैं कटलेस। तो अभी कटलेस लेने के बाद और भी कुछ सामान लेने का, देखो गाड़ी की बैटरी, गाड़ी की बैटरी और चिकन लेने का ना, डाइट का चिकन निशान का ख़त्म हो गया वो लेने का। और गाइस अभी थोड़े ही दिन बाकी है मामू मुवानी को आने के लिए, बहुत मज़ा आने वाली हम लोगों को। हाँ दो दिन ना, थोड़े दिन तो भाई थोड़े दिन ही बचे हुए ना, तो बस आएंगे लेने आएंगे, बहुत मज़ा आएगी। चलो इफ्तारी का सामान लेते हैं और निकल, मैंने अपना स्टार्टर ले लिया हूँ अभी दिशान, चलो भाई ले लो। तो यहाँ दिशान भी अभी ले रहा है घर के लिए स्टार्टर, वो दिशान तो खाता नहीं लेकिन अमन लोग खाते हैं, तो फिर दिशान अभी अमन लोग के लिए ले रहा है। मैं हम लोग तो सब खा लेते बैठ के, तो बस लेते हैं और अभी जाते हैं बैटरी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग की जो कार है हम लोग निकाल रहे नहीं है बहुत टाइम से, तो उसकी वजह से ना वो बंद हो गई है, बैटरी डाउन हो गई है। तो अभी हम लोग जाके उसकी बैटरी को एक्सचेंज करवाएंगे और फिर चलाएंगे उसको थोड़ा। हम लोग की जो बैटरी यहाँ पे रखी हुई थी तो वो चार्ज हो चुकी है और मैं हम लोग इनकी सर्विस बैटरी यूज़ कर रहे थे, इस वजह से वो सर्विस बैटरी की भी बैटरी निकल गई खड़े खड़े गाड़ी। तो अभी हम लोग अपनी बैटरी लेकर जाके लगवा रहे हैं। भाई चलो जल्दी चलो चलो, ठीक है जाते लगाते गाड़ी में और थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इस हम लोग ने चिकन विकन सब लेकर आ गए हैं, मतलब डिजिशान के डाइट वाइट का भी। ये हमारी बैटरी वहाँ रही और ये हमारी दन्नो बंद पड़ी हुई है, तो ये बंद इसी वजह से है गाइस। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोग बहुत दिन से कहीं जा रहे नहीं है, चला रहे नहीं है, लंबा ट्रैवल नहीं कर रहे, जा रहे तो इतना लंबा जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे सूरत। हाँ तो वो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाली, हम लोग बहुत घूमने वाले गाइस अभी रमज़ान में भी। तो ये उनकी सर्विस बैटरी है भाई की, तो वो सर्विस बैटरी भी निकाल के अभी अपनी बैटरी लगाएंगे यहाँ जो अपनी बैटरी रखी है। तो बस बिस्मिल्लाह बोल के चालू करते हैं। ओहो चालू हो गई, चालू हो गई, चालू हो गई, डन 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 भाई, थैंक यू। भाई ये देखो ये मम्मी ने रेडी कर दिए है, ले मम्मी। ए ए ए ये भी आप कर रहे हैं, तो मम्मी मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, आप मेरे लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कड़िंगर काटूँ, ठीक है चलो मैं ये सब निकाल देता हूँ। और चाट आप बनाएंगे मतलब आज? नहीं मैं ही बनाऊंगा, क्यों? मसाला तू डाले। अच्छा मेरे हाथ का ही सही लगता है ना, मेरा हाथ का जायका गाइस। तो गाइस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का रोजा, तो अभी तरावी जा रहे मम्मी, आज हम लोग का पूरा कुरान हो जाएगा सुन के। आले दुआ दो, न्यूज़ देखने का
गाइस आप लोग खुद देखते हैं वीडियो अपने की व्यूज बढ़े हुए कितने मेहनत करते हैं आप लोग भी देखा करो पूरी पूरी वीडियो हाँ पूरी पूरी वीडियो देखो भगा के मत देखा करो ठीक है तो अभी बस हम लोग निकल ही रहे चलो आता हूँ मम्मी अबे हाथ डाल के खा रहे मुंह मार रहा है थोड़ी ना कोई खाने वाला है खा वो देख हाथ डाल के खाने गए चम्मच से का चम्मच से तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं तरावी पढ़ने के लिए जो हम लोग मतलब यहाँ पे कुरान आज 30 पारे हो जाएंगे माशाल्लाह 200 वाला कुर्ता लगाया ले लेते हाँ ले लेते देखो चाहिए देखो आएगा वो चलो चलते अंदर पहले पैसे मार देते वरना बहुत भीड़ हो जाएगी नहीं कोई मसला नहीं है बाद में भी दे सकते है चलो तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की कम्पल हो गई है तो गाइस यहाँ सब खाने के लिए बैठ गए हैं अमन पेट भूख लग रही है देखो सब भूखे यहाँ पे खाऊंगा लेकिन डाइट तो लेकिन मैं खाऊंगा खाएगा तो गाइस सब खाने के लिए बैठ गए यहाँ पे सब लाइन लगा लिए हैं सब मतलब बैठा दिया अभी कैमरा ऊपर करूंगा मेरे को रुका देंगे इसलिए मैं चुप बैठ गया मैं तो सोच रहा था बिस्लेरी बिस्लेरी लेके आते पानी बांटने के लिए ना तो कोई बात नहीं छोड़ा अभी कुछ नहीं करते पानी का मसला है हाँ क्या पानी बाहर आके पी लेंगे कोई बात नहीं पब्लिक देख रहे कितने का बोलना नहीं ऐसा भाई कि अभी करवा नहीं 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 इस बार बीच में पब्लिक उठ के नहीं गई मेरा कैमरा ऐसा ऊपर होगा नहीं नहीं आगे से मना कर देंगे नहीं 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 बता दो मैं नहीं नहीं रहने दे छोड़ रहने दे रहने दे अपन भी बैठ के खा रहे हैं छोड़ तो गाइस यहाँ पानी पास करने का ना गेम चल रहा था वो बच्चे लोग कैसा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे पानी पास हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा अपने आस पास सिर्फ बच्चे ही क्यों बैठे सारे लोग पीछे से आगे भाग के तो गाइस माशाल्लाह ये देखो अब मैं वीडियो ले सकता हूँ क्योंकि मौलाना नहीं देख रहे रहेंगे अभी कोई खड़ा हुआ भी नहीं है तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पब्लिक बैठी हुई है यार वो करने के लिए क्या खाने के लिए और खाने में क्या दाल गोश गाइस दाल गोश है ये हम लोग इधर भी लग रहा है लग रहा है तो गाइस यहाँ आधे लोग उस साइड घूम गए आधे लोग घूमना नहीं यहाँ पे आधे लोग इस साइड मुंह करे हुए हैं और आधे लोग उस साइड मुंह करे हुए देखो तो गाइस दिशान को प्लेट की बड़ी है यहाँ पे बोले खाना कम नहीं पड़ेगा मैं बोला प्लेट तो दे दो पहले दिशान को ज्यादा भूख लग गई है गाइस अमन अमन को बीवी की याद आ रही मैं तो मैं सोचा कि ये बीवी की याद आ रही इसलिए ऐसा करके ना रो रहा रहेगा ये बोलता भूख लग रही है बीवी के लिए भी लेके जा ये थैली यहाँ की यहाँ तो गाइस यहाँ पे ना थैली ना बहुत प्यारी थैली तो वो थैली को ना काट के ना मैं सोच रहा हूँ अमन को दे देता हूँ भाभी के लिए लेके जाएगा आ रही यार ये बहुत कुछ आ रही है तो गाइस दिशान को देखो प्लेट मांग रहे ए भाई प्लेट ए भाई प्लेट ए भाई प्लेट यही करे जा रहे प्लेट मांग रहा दे रहे गाइस दे दो इसको भाई इसको प्लेट दे दो प्लेट आई बेचारे की डाइट तोड़ रहा है खुद की डाइट तोड़ रहा है गाइस ये दाल गोश्त खाने के लिए वो भी प्लेट नहीं आ रही मुझे मौलाना एकदम गाड़ी चले तो गाइस फाइनली जिशान को प्लेट मिल गई है बीच में शॉर्ट कट से झोल करके लाए हो अपने लिए तो गाइस देख आगे देख इन लोगों को नहीं मिले किसी उन दोनों को ही तो गाइस ये हम लोग का खाना आ गया है बैठ जिशान को देख रहे वो डाइट तोड़ रहा है ना आज ऐसा लग रहा है दाल 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 हाँ चल ठीक तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का खाना हो गया है जिशान तेरा भी डन अमन What about your? खा रहा हूँ ना ऐसा लग रहा है ओह गाइस मजा आ गई हो गया मस्त वाला एकदम दाल गोश खा ली गाइस चलो अभी चलते घर पे लाउड ऐसा नहीं खाता है ना थोड़ा खाता था इतना था दाल गोश चलो तो गाइस निकल गए हम लोग बाहर हाथ भी सब धो लिए हैं और अभी चलते हैं घर पे और गाइस आप लोगों को बता दें यहाँ पे कुछ 1200 लोगों का खाने का इंतजाम हुआ वाला क्या बात है माशाल्लाह 3-4 तरह भी पड़ा रहे हैं सब तो ठीक है अपना अपना वो पैसा देने का स्कैनर है सामने हाँ
उधर भी देंगे तो उन्हीं के पास जाएगा। चलो चलते। हम लोग घर पे आ गए हैं और हम लोग ने अपने मैंने अपने खाने के साथ साथ मैं मम्मी के खाने का भी ध्यान रखा क्योंकि मम्मी अकेले थे ना घर पे, तो मैंने होटल से मंगवा दिया था, तो मेरे आने तक मम्मी भी खा लिए। मम्मी मस्त खाओ खा के आए को बोल रहे। अच्छा व्यूअर्स को बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे आ रहे, सब आएंगे एक साथ खाना खाने के लिए। चलो भाई, तो अभी मैं मम्मी मम्मी को पता है कि अभी हम लोग जा रहे हैं गुवांडी, वहाँ पे अमन लोग के घर पे रुकेंगे या फिर हाइफा के घर पे रुकेंगे, फिर वहाँ से सुबह में हम लोग जाएंगे सूरत। तो मम्मी ठीक है, तो अभी मैं पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ फिर निकलते हम लोग। मम्मी वहाँ से कुछ लेकर आओ आपके लिए। मम्मी फोन करूंगा तब बोलेंगे क्या हुआ। तो मैं ये बोल रहा था कि तुम लोग तो जा रहे, तो फिर मेरा बर्थडे बर्थडे। अरे बच्ची आ भी जाएंगे, तू टेंशन मत ले। अगर नहीं आए तो नहीं आए तो तेरे दूंगा 10,000 रुपए गिफ्ट। अबे तेरे से बढ़ के क्या, इसी ले ले 10,000 रुपए गिफ्ट। नहीं नहीं, अगर नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए तो ठीक है ठीक है, चल डन डन। तो मम्मी चलो आता हूँ। चल अक्षत ख्याल रखा मम्मी का, शहरी करा देना मम्मी को ठीक है। कर करना ठीक है, चलो आऊ कल। अच्छा भाई नहीं रहेगा तो घर में खाना नहीं बनाएंगे। चले चलो आता हूँ, चल निकलते। हाँ चल ठीक है, ख्याल रखो। तो गाइज अभी अभी हम लोग ने एक बहुत ही बड़ा हादसा देखे है, मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी उन लोग की। एक्सीडेंट हुआ था कार से, मतलब कार डिवाइडर में घुस गई थी और तीन लोग थे अंदर और तीनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। एक अनकॉन्शियस था और दो जन मतलब होश में थे थोड़े, तो एम्बुलेंस को बुलाए, सब लोग वहाँ खड़े हुए थे, सब ने बुलाया बुलाए लेके जाएंगे इंशाल्लाह लेके। बहुत ज़्यादा चारों एयरबैग खुल गए थे गाड़ी के, चारों के चारों। तो गाइज बस आप लोगों को ये बोले कि आप लोग कभी भी गाड़ी चला रहे हो कुछ भी कर रहे हो, खाई में मत करो कुछ भी, आराम से घर पे पहुंच सकते हैं। घर पे कोई आप लोगों को इंतजार करता रहता है हमेशा, मतलब घर वाले आप लोगों के बहुत ज्यादा प्यार करते हो। गाइज प्लीज आप लोग अपनी फैमिली वाले लोग अपने घर वालों का सोचो, गाड़ी ज्यादा फास्ट मत चलाओ, अपना ख्याल रखो। आज के लिए बस इतना ही गाइज, ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हमारे इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।